पूछिए कितना था और जो बोलेगा आसिम खोजा सिर्फ पूछिएगा ना उसको खोजा जाएगा। मिल जाएगा खाली भाषण के हाँ वो मिल जाएगा ना इसमें आसपास में था वो खोजा जाएगा सोलह मिल जाएगा आते हैं संजय। लोकतंत्र के इस महापर्व में राजधानी रांची विधानसभा का इस समय चुनाव हो रहा है और राजधानी रांची के एक बूथ पर हम खड़े हैं, वर्धमान कंपाउंड, जो यूं कहा जाता है कि बंगाली समुदाय यहां काफी संख्या में रहते हैं, लेकिन जो वोट का नज़ारा दिखना चाहिए था वो उतना नहीं दिख पा रहा है। हालांकि धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं जो वोट कर चुके हैं। आपने वोट किया है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं लोकतंत्र का ये महापर्व हम सब सम्मिलित होकर मिला रहे हैं, सैकड़ों के संख्या में आपको बूथ पर दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी उत्साह है। तो देखा जा रहा है कि एक मत महत्वपूर्ण होता है, मत का दान महादान है। अतः मैं आग्रह करता हूं कि सभी लोग इस महादान के अभियान में सम्मिलित हों और अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं, क्योंकि मैंने देखा है अनेकों बार एक वोट से उम्मीदवार जीते भी हैं और एक वोट से उम्मीदवार हारे भी हैं। अतः अपनी मन की इच्छा अनुसार आप अवश्य अपने बूथ पर जाएं और वोट का प्रयोग करें। यहाँ पे भीड़ कम देखी जा रही है, क्या कारण मानते हैं? काफ़ी कम संख्या है जबकि जो सुबह का वक्त है 11 बजने को है, तो ऐसे में कम भीड़ क्यों? क्यों मतदाता आखिर इतने उदासीन क्यों हैं? वो आराम से सोच करके वोट देने की तैयारी कर रहे हैं। और पहली बार मेरा तो प्लेज या रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन लोगों के लिए खास करके, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत समय निकलने में हेजिटेट करते हैं, उनको पता नहीं प्रक्रिया क्या है क्या नहीं है। घर से माता पिता बोलते हैं कि जाओ वोट दे के आओ, लेकिन वो लोग समय लेते हैं। तो खास करके मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा फर्स्ट टाइम वोटर्स को, जो लोग फर्स्ट टाइम वोट करने निकल रहे हैं वो ज़रूर मतदान केंद्र तक पहुँचे। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे। आपने वोट कर दिया? जी। ये किस आधार पे आपने वोट दिया? जी मैं बालिग हो चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं नेता चुनूं। कैसा नेता चाहिए आपको? आरक्षण जो हमें दे। आरक्षण? हाँ। आरक्षण चाहिए महिलाओं को। आपने वोट कर लिया? हाँ हम कर लिया वोट हमने। ये और लोग काफी कम संख्या में यहाँ पर दिख रहे हैं। संख्या देखिए बहुत यहाँ आदमी, गरीब आदमी अपना कमाने खाने भी काम उम करके भी बहुत आदमी आ सकते हैं वोट देने भैया। काम करके आ सकते हैं। आप बताइए वोटिंग आपने किया? जी किया। किस आधार पे वोट किया इस बार? मैं विकास के आधार पर वोट किया, ताकि सबका विकास सबके साथ अच्छी तरह से हो, सब कुछ हो, सड़क पानी बिजली, जो अभी तक राजधानी होने के बावजूद भी हमको ढंग से मुहैया नहीं है, और सफाई हो, ये सारा कुछ सिर्फ नारा ना रह जाए, वो हो जाए बने। और हम चाहते हैं हमारे नेता पढ़े लिखे हो, वो ठेपाछाप अनपढ़ ठेपाछाप सिर्फ साक्षर नेता हमें नहीं चाहिए। देश के लिए जो हमारे देश के लिए अच्छा हो, जो हमारे जो आज लड़कियों के साथ हो रहा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित हो, हमारा समाज आगे बढ़े। मेरी भी बेटी है, आज के डेट पे मुझे लगता है कि हमारे समाज में एक ऐसा हमारा एक ऐसा नेता है जो हमारी बेटियों को सुरक्षित रखे। पढ़े लिखे होने का तात्पर्य ये नहीं है कि घरों में बैठे, पढ़े लिखे लोग किस तरह से उदासीन होते हैं लोकतंत्र के प्रति। लोकतंत्र में वो सुविधाएं तो चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रति जो उनका कर्तव्य होता है मतदान का, वो मतदान करना भूल जाते हैं और घरों में बैठे रहते हैं। और लोग भी हैं, एक बात बताइए, कहा जाता है कि ये इलाका जो काफ़ी पढ़ा लिखा इलाका है, और ऐसे में पढ़े लिखे इलाके के लोग काफी कम संख्या में, लगभग 15-17% वोटिंग हो सकी है 11 बजने को है। लापरवाही है, खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरे बूथ में मैं दिखाता हूं। हम लोग सुबह से परेशान हो रहे हैं 8 बजे से। वोटिंग लिस्ट वाला इस बार वाला लिस्ट हम लोग को नहीं मिला, वोटर कार्ड हम लोग लेके घूम रहे हैं, ना विमेंस कॉलेज में हम लोग का नाम मिल रहा है ना यहाँ मिल रहा है, कहाँ जाए वोट देने के लिए? चुनाव किसी ने मतदान पर्ची दी है आपको? नहीं, इस बार पर्ची नहीं मिला है। ये नहीं मिला है, लेकिन चुनाव आयोग तो दावा करता है कि पर्ची उन्होंने वितरित नहीं दिया ना। ये देखिए ना, हम पुराना पर्ची लेके आए हैं, ये देखिए वोटर कार्ड हम लोग लेके 8 बजे से घूम रहे हैं।
वोटर आईडी, ये देखिए आप चुनाव आयोग की भी लापरवाही, चुनाव आयोग भी किस तरह से लापरवाह है, चुनाव आयोग किस तरह से जो मतदान है केवल अपील रांची में बैठकर वो करते हैं और अपने कार्यालयों में, लेकिन जो मतदाता है मतदाता के पास, कहाँ से आए? बेंगलोर से स्पेशल वोट करने के लिए आए, बेंगलोर से आए। हाँ। फिर भी नाम नहीं मिल, फिर भी नाम नहीं मिल रहा, ये नाम नहीं मिल पाया। ये चुनाव आयोग अगर देख रहा होगा तो निश्चित रूप से उसको अपनी समीक्षा करनी चाहिए कि किस तरह का कार्य वो करता है, और ऐसे में चुनाव आयोग भी लापरवाह है, जहाँ पढ़े लिखे लोग लापरवाह हैं वहीं चुनाव आयोग कम लापरवाह नहीं है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है लोकतंत्र के प्रति ये उदासीनता ठीक नहीं है और लोकतंत्र को ये शायद कमजोर कर सकता है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। झारखंड का नंबर वन एकमात्र संस्थान NIPM, साई टावर, फोर्थ फ्लोर, सर्कुलर रोड, रांची।